माथा टेकने, आशीर्वाद लेने और महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले शिक्षा के प्रतीक, मानवता के प्रतीक, शिक्षा का मार्गदर्शन देने वाले भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूँ, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और शिक्षा का प्रतीक हमारे भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश हम सब करें। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वाल्मीकि भगवान के दिखाए गए रास्ते पर, आदर्श पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते आज पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को आज नंबर वन कहा जाता है। दिल्ली में गरीब से गरीब आदमी को भी, गरीब से गरीब के बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है और आज भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की एक छोटी सी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज मैं अपनी पार्टी के तमाम साथियों के साथ भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूं, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं और आज एक ऐसी जगह जहां महाकाव्य कहे जाने वाले रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि ने करी, प्रभु श्री राम के सुपुत्रों को, लव कुश को विद्या, शस्त्र विद्या भगवान वाल्मीकि जी ने यहां दी। आज एक ऐसी पावन धरती पर नतमस्तक होने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। सर, सर सुखजिंदर रंधावा के जो रिश्तेदार हैं आज फिर वो नाराज हो गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसआईटी को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज हैं और सिट को लेकर सवाल हो, बेरोजगारी को लेकर सवाल हो, बेअदबी के इंसाफ का सवाल हो, नशे के सौदागरों को पकड़ के, नशे के मगरमच्छों को पकड़ के जेल में डालने की बात हो, जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं और मैं चाहूंगा कि चन्नी सरकार इन मुद्दों पर जवाब दे। ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को अगर फोटो खिंचवाने से और अपनी एडवर्टाइजमेंट देने से थोड़ा सा भी समय मिले, टाइम मिले, तो पंजाब के इन मुद्दों पर भी जरा गौर फरमाएं, ऐसी मैं अपील करता हूं चन्नी साहब से। नवजोत सिंह आरोप लगा रहे हैं, आप क्या देखते हैं, क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए फिट है? नहीं, मैं सिद्धू साहब पे और उनके भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे बोलने वाला कौन होता हूं, ये तो सिद्धू साहब को तय करना है। नहीं, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड है। सीट पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो आम आदमी पार्टी ने उठाई। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर कुंवर विजय प्रताप साहब की रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, ये बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाई। अगर आज कोई उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है तो हम उनके मुद्दों को वैलिड कहेंगे, सही बताएंगे। अभी मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़ा हूं तो मैं सियासी बयान दे देता हूं, मंदिर के भीतर जाकर, अंदर जाकर मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, क्योंकि वहां सियासत नहीं होनी चाहिए। आज हर घर नौकरी का जो वादा, जो प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और कहा था घर घर नौकरी देंगे, उस वादे को एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ कांग्रेस पार्टी पूरा करती नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को, सन इन लॉ को सरकारी नौकरी से नवाजा है और लगता है वो शायद हर घर नौकरी, घर घर नौकरी का वादा अपने विधायकों और अपने मंत्रियों के लिए तो जरूर पूरा करेंगे। आज से कुछ दिन पहले अपने विधायक, अपने एमएलए बाजवा साहब के बेटों को नौकरी दी गई, किसी एमपी के भतीजे को नौकरी दी गई और आज कांग्रेस पार्टी ने, चन्नी साहब ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को नौकरी दे दी। पंजाब का बेरोजगार युवा
आज भी बेरोजगारी की आग में जल रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं देता। लेकिन चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, वो कैप्टन अमरिंदर की राह पे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज चन्नी साहब ने अपनी सरकार के मंत्रियों को और एमएलए को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में पोरा भी फर्क नहीं है, एकदम सेम है। बस इतना है कि चन्नी साहब को फोटो खिंचवाना, थोड़ी ड्रामेबाजी करनी अच्छी आती है। बाकी जो काम कैप्टन साहब करते थे, वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं। अपने मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है और ये पंजाब के लोगों की इंसल्ट है। पंजाब के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। आज अपने बच्चों को नौकरियां दे रही है ये सरकार। आज से 3 महीने बाद जब पंजाब में इलेक्शन होगा, तो पंजाब की जनता चन्नी साहब को सूद समेत इस पाप का बदला देगी। आज मैं भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने और महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले शिक्षा के प्रतीक, मानवता के प्रतीक, शिक्षा का मार्गदर्शन देने वाले भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूं, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं और शिक्षा का प्रतीक हमारे भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश हम सब करें। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वाल्मीकि भगवान के दिखाए गए रास्ते पर, आदर्श पर चलने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते आज पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को आज नंबर 1 कहा जाता है। दिल्ली में गरीब से गरीब आदमी को भी, गरीब से गरीब के बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। और आज भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की एक छोटी सी कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज मैं अपनी पार्टी के तमाम साथियों के साथ भगवान वाल्मीकि जी के दरबार में नतमस्तक होने आया हूं, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं। और आज एक ऐसी जगह जहां महाकाव्य कहे जाने वाले रामायण की रचना भगवान वाल्मीकि ने करी, प्रभु श्री राम के सुपुत्रों को, लव कुश को विद्या, शस्त्र विद्या भगवान वाल्मीकि जी ने यहां दी। आज एक ऐसी पावन धरती पर नतमस्तक होने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। सर, सुखजिंदर रंधावा के जो रिश्तेदार हैं, आज फिर वो नाराज हो गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसआईटी को लेकर। कि देखिए, मुझे लगता है कि सिद्धू साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज हैं, और सिट को लेकर सवाल हो, बेरोजगारी को लेकर सवाल हो, बेअदबी के इंसाफ का सवाल हो, नशे के सौदागरों को पकड़ के, नशे के मगरमच्छों को पकड़ के जेल में डालने की बात हो, जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं। और मैं चाहूंगा कि चन्नी सरकार इन मुद्दों पर जवाब दे। ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को अगर फोटो खिंचवाने से और अपनी एडवर्टाइजमेंट देने से थोड़ा सा भी समय मिले, टाइम मिले, तो पंजाब के इन मुद्दों पर भी जरा गौर फरमाएं, ऐसी मैं अपील करता हूं चन्नी साहब से। नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप लगा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए फिट हैं? नहीं, मैं सिद्धू साहब पे और उनके भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे बोलने वाला कौन होता हूं, ये तो सिद्धू साहब को तय करना है। नहीं, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं। सीट पर सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो आम आदमी पार्टी ने उठाई। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर कुंवर विजय प्रताप साहब की रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों आज तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, ये बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाई। अगर आज कोई उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है तो हम उनके मुद्दों को वैलिड कहेंगे, सही बताएंगे।
अभी मैं मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़ा हूं तो मैं सियासी बयान दे देता हूं, मंदिर के भीतर जाकर अंदर जाकर मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा क्योंकि वहां सियासत नहीं होनी चाहिए। आज हर घर नौकरी का जो वादा, जो प्रॉमिस कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था और कहा था घर घर नौकरी देंगे, उस वादे को एक छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ कांग्रेस पार्टी पूरा करती नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को, सन इन लॉ को सरकारी नौकरी से नवाजा है और लगता है वो शायद हर घर नौकरी, घर घर नौकरी का वादा अपने विधायकों और अपने मंत्रियों के लिए तो जरूर पूरा करेंगे। आज से कुछ दिन पहले अपने विधायक, अपने एमएलए बाजवा साहब के बेटों को नौकरी दी गई, किसी एमपी के भतीजे को नौकरी दी गई और आज कांग्रेस पार्टी ने, चन्नी साहब ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को नौकरी दे दी। पंजाब का बेरोजगार युवा आज भी बेरोजगारी की आग में जल रहा है, उसको कोई नौकरी नहीं देता, लेकिन चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, वो कैप्टन अमरिंदर की राह पे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज चन्नी साहब ने अपनी सरकार के मंत्रियों को और एमएलए को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में पोरा भी फर्क नहीं है, एकदम सेम है। बस इतना है कि चन्नी साहब को फोटो खिंचवाना, थोड़ी ड्रामेबाजी करनी अच्छी आती है, बाकी जो काम कैप्टन साहब करते थे वही काम चन्नी साहब कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है और ये पंजाब के लोगों की इंसल्ट है, पंजाब के लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। आज अपने बच्चों को नौकरियां दे रही है ये सरकार। आज से 3 महीने बाद जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो पंजाब की जनता चन्नी साहब को सूद समेत इस पाप का बदला देगी।